नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रयागराज अतरसुईया पुलिस ने बड़े वाहन चोर का पर्दाफाश करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 17 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दरअसल गिरफ्तार किए गए अभियुक्त चोरी करने के बाद गाड़ियों को बेचते नहीं थे, बल्कि किसी के यहाँ परिजनों की बीमारी का बहाना बनाकर उसे गिरवी रख देते थे। और वहीं पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश किया गया। और पुलिस अधीक्षक नगर संतोष कुमार मीणा ने बताया कि इनकी गैंग के 3 सदस्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम सहित गैर सरकारी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बताए जाने के बाद दारुल उलूम देवबंद का ये बड़ा निर्णय सामने आया है। बता दें आपको कि विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में आयोजित रस्बा मदारिस के इजलास में ही मदरसों को किसी भी बोर्ड से ना जोड़े जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। और साथ ही कहा गया है कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को ही नहीं समझ सकता और इसलिए किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके साथ ही कहा गया है कि मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं है। बलरामपुर में जिला मुख्यालय सहित तीनों तहसील मुख्यालयों पर छठ पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। महापर्व में व्रतधारियों ने ही नेशुरज को अर्घ दिया है और जिले में प्रमुख राप्ती नदी, झारखंडी सरोवर और बलरामपुर चीनी मिल के दुर्गा मंदिर सरोवर के पर ही पूजन विशेष आयोजन किया गया। और इसके साथ ही उतरोला में दुख हरण नाथ मंदिर पोखरा, तुलसीपुर में चीनी मिल और नई बाजार, पुरानी बाजार इत्यादि जगहों पर ये पर्व मनाया गया है। सभी स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे हैं और इसके साथ ही प्रशासन ने कई प्रकार की सुविधाओं की भी घाटों पर उपलब्ध करवाई। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा बरेली द्वारा आयोजित 17वां विशाल चित्रांश समागम विवाहिक परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ही शामिल भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजीव वर्मा, प्रदेश संरक्षक वन और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और इसके साथ ही जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सक्सेना शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में वृद्धजन सम्मान का समारोह भी हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि 75 साल से अधिक आयु के वृद्धजनों को भी सम्मानित किया गया है। पहल के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आज के 90 भाई जो लोग जीवन में नए प्रवेश करने का सपना देखते हैं, उन लोगों के लिए जो ये पहल की गई है, उस पहल करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग इस प्रकार के आयोजन करते हैं। चित्रांश सभा के द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम एक दूसरे से परिचय कराना, तो हमारे जीवन में अपने नए जीवन में प्रवेश करने वाले ऐसे असंख्य भाई मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद हरदोई पहुंचे और यहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की है और साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। हरदोई में खराब पड़ी सड़कों और उनके सही कराए जाने के लिए समीक्षा बैठक करने पहुंचे लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि ढिलाई पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसी समीक्षा के लिए आए हैं कि जो भारी वर्षा हुई अभी आपने देखा इस पिछले महीने,
उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं काफ़ी सड़कें प्रदेश की, और ये मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जल्द से जल्द सभी सड़कें सुदृढ़ की जाएं, मोटरेबल बनाई जाएं और मरम्मत की जाए। एक एक बिंदुवार यहाँ समीक्षा की गई है कि कितनी प्रगति हुई है, कौन सी सड़कें खराब हैं, और आने वाले समय में मैं स्पष्ट कर देता हूँ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अगर ढिलाई पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। 5 से 10 तारीख के बीच में हेडक्वार्टर से टीम आएंगी जो यहाँ पे समीक्षा भी करेंगे और औचित निरीक्षण भी करेंगे। बस्ते पहुंचे सांसद जगदम्बिका पाल ने केजरीवाल के लक्ष्मी गणेश भगवान की फोटो नोटों पर लगाने वाले बयान पर केजरीवाल को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल का चुनावी स्टंट है, और साथ ही उन्होंने कहा कि आप पार्टी के लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, और साथ ही आजम खान की सदस्यता को लेकर जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये न्यायपालिका का काम है। भारतीय किसान यूनियन तोमर का देश भर में अपने संगठन का विस्तार और मजबूत करने के लिए लगातार पद अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, साथ ही इसको लेकर लगातार मीटिंग की जा रही है। इसी को लेकर कल्याणपुर गांव में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ग्रामीणों ने फूल माला डालकर जोरदार स्वागत भी किया है। भाकियो तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने किसानों को संबोधित किया और कहा कि किसानों का उत्पीड़न और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों को संबोधित करते के बाद ही आवश्यक अली को भी, आपको बता दें कि आशक अली को नियुक्ति पत्र देकर जिला उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की और आशक अली को मेहनत और लगन से कार्य करने के प्रेरित किया है। इस दौरान ही भाकियो तोमर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर में सूर्योपासना के महापर्व छठ पर महिलाओं ने सूर्य को अर्घ दिया है। देश और विदेशों में भी छठ महापर्व को बड़ी ही आस्था के साथ मनाया जाता है। वहीं गोरखपुर के राजघाट के ही गोरक्षनाथ राम घाट पर लाखों की संख्या में जुटी व्रती महिलाओं और परिवार के लोगों ने पूजा पाठ किया है। आपको बता दें कि आस्था चलगामी सूर्य को ही व्रती महिलाओं ने अर्घ देकर पुत्र प्राप्ति, पति और परिवार की खुशहाली की कामना भी की। 2 साल से हम तो रहते हैं, हमारे घर में हमारी सास रहती थी, 40 साल से व्रत रहती थी, और ये बेटों का त्यौहार है, बेटों की लंबी उम्र के लिए त्यौहार किया जाता है। जिसके बच्चे नहीं होते वो भी लोग व्रत रहते हैं, और छठ माता सबकी इच्छा पूरी भी करती हैं। सूर्य उपासना के पर्व छठ पूजा पर बस्ती जिला के कुवानो घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि यहां पर सैलाब उमड़ पड़ा श्रद्धालुओं का। बस्ती में दोपहर से ही सुहागिन महिलाएं इकट्ठा होना शुरू हो गई और शाम को डूबते सूर्य और सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने सुहाग और पुत्र की लंबी उम्र की कामना की है। कुवानो नदी के तट पर महिलाओं ने अर्घ देकर पति और पुत्र की लंबी आयु की कामना की है। आपको बताते चले कि कुवानो नदी, सरयू नदी, मनोरम नदी शहर के निर्मली कुंड पोखरा से लेकर गांव के तालाबों के तट पर छठ मैया की पूजा की गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी और आईजी अमिताभ ठाकुर शाहजहांपुर पहुंचे और जहां उन्होंने सेना के पदाधिकारियों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि यहां पर अधिकारियों से मुलाकात की गई है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि साथ ही टाउन हॉल में मौजूद शहीदों की प्रतिमाओं और सुभाष चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। उसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे अनियमितताएं पाने पर उन्होंने CMS को भी अवगत कराया है, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकार सेना निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और 2024 में दमदारी से चुनाव मैदान में उतरेगी। देखिए, जो आजकल मुठभेड़ हो रही है वो बेहद साहसिक मुठभेड़ है। साहसिक मुठभेड़ इस सेंस में है कि यह साहस बहुत बड़ा साहस है,
और दुस्साहस की सीमा तक साहस है कि हम किसी बेगुनाह को पकड़ लें, उसको ले आएं, उसका हाफ फ्राई कर दें और उसके बाद उसको लंगड़ाते हुए हम अस्पताल भेज दें, फिर जेल भेज दें। यह वही कर सकता है जिसके अंदर अथाह साहस हो और ईश्वर से कोई भय न हो। तो भय रहित साहस का जो चल रहा है वह अपने आप में अनूठा है। हरदोई में छठ पर्व और व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं शहर के गौरी नगर की निवासी 3 महीने की बच्ची की मां खुशी वर्मा समेत तमाम महिलाएं इस पूजा को अट श्रद्धा के साथ कठिन निर्जल व्रत रखकर पूजा अर्चना उन लोगों ने की है। कठिन तो है, व्रत बहुत कठिन है और मुश्किलें का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जहाँ आस्था होती है वहाँ पर शक्ति आ माता ने अपने आप दे देती है। छठी मैया छठ परमेश्वरी बहुत शक्ति देती हैं कि हम हर एक कठिनाइयों को सामना करते हुए अपना व्रत को पूरा करते हैं, उसको निभाते हैं। ये पूजा करने से सबसे पहले तो हमारे परिवार में सुख शांति मिलती है, हमारे पति की लंबी उम्र होती है, हमारे बच्चों की लंबी उम्र होती है, उनको रोजी रोटी बरकत देता है भगवान का, इसलिए हम लोग ये पूजा करते हैं। प्रयागराज जिले में छठ पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूर्वक मनाया गया है। डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद से ही महिलाओं ने अपने परिवार के साथ संगम घाट के अलावा अरेल घाट पर भी छठ माई की पूजा अर्चना करते हुए गंगा नदी के जल में खड़ी होकर सूर्य देव की उपासना करते हुए उनके उदय होने के तक उनका इंतजार करती रही हैं। जैसे ही सूर्य देव पहली किरण के साथ उदय हुए, सभी लोगों ने उनको अर्घ देते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करते हुए छठी मैया और सूर्य देव को आशीर्वाद मांगा है उनसे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद से वापस अपने घर लौटे हैं श्रद्धालु, और इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए थे। और आईजी जोन प्रयागराज डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और एसएसपी प्रयागराज शैलेंद्र कुमार पांडे के साथ ही दारागंज से लेकर संगम घाट और अरेल घाट पर जल वोट के माध्यम से ही नज़र रखी गई है और सभी को गहरे पानी में ना जाने की अपील भी की गई थी। लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिलाओं ने घेर कर 4 पुलिस वालों की जबरदस्त पिटाई कर दी है। महिलाओं ने सिपाहियों को पकड़कर घसीटा और गन्ने के खेत में गिराकर जमकर पिटाई की है। वहीं 2 पुलिस वाले छोड़ देने के लगातार गुहार भी लगाते रहे हैं। महिलाएं पिटाई के साथ ही वीडियो बनाते हुए भी नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस मामले का जो वीडियो है वो वायरल भी हो रहा है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि कीब बथुआ टांडा गांव इलाके में ही आज थाना निघासन के सादी वर्दी में 4 सिपाही गांव में पहुंचे और महिलाओं से पूछा शराब कहां बनाई जा रही है। धान काट रही महिलाओं का जवाब था हमें नहीं पता। इस पर सिपाही ने कहा कि नहीं बताओगे तो हम जेल भेज देंगे। नाराज महिलाओं ने 4 सिपाहियों की पिटाई कर दी, जिसमें 2 सिपाही भागने में कामयाब हो गए। वही पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। औरैया जिले में कोल्ड स्टोर से आलू लेकर आ रहे किसानों के ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 4 किसान घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। वहीं हादसे में 1 महिला की मौत भी हो गई है और मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें सेफई के रिम्स के लिए रेफर भी कर दिया गया है। कन्नौज से आलू लेकर क्या किसान थे क्या? हाँ किसान थे। कैसी हालत है? गंभीर हालत है, चोटें हैं सबका। कितने लोग थे घायल? 4 लोग थे सर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।